खाद न मिलने से किसानों ने किया चक्का जाम, समझा इसमें लगा जिला प्रशासन। निवाड़ी खाद की मांग को लेकर किसानों ने आज सड़क पर चक्का जाम कर दिया। खाद की किल्लत दिन पर दिन गहराती जा रही है। निवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास वेयरहाउस पर खाद लेने आए किसानों द्वारा किए गए चक्का जाम से सड़क पर आवागमन अवरुद्ध रहा। वहीं किसानों ने गोदाम कर्मचारियों पर खाद ब्लैक करने के गंभीर आरोप लगाते हुए बताया, खाद विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठगांठ के चलते जिले भर में प्राइवेट दुकानों पर खाद धड़ल्ले से ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। किसानों द्वारा किए गए चक्का जाम की सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर पहुंचे निवाड़ी तहसीलदार अनिकेत चौरसिया ने किसानों द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारते हुए बताया, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध है। हालांकि निवाड़ी जिला प्रशासन खाद आपूर्ति को लेकर भले ही पुख्ता इंतजाम करने के दावे करे, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कहती नजर आ रही है। हाँ? रात के जो दुकान पे खाद नहीं है तो ढेर काम है, मैं जो 1800 की बोई दे रात के का उन्हें कहाँ से पहुँच गया खाद? प्राइवेट दुकानों? हाँ प्राइवेट दुकान। कितने रुपए की बोरी? 1800 की। अभी आप कब से आ रहे खाद लेने? हम 2-3 दिन के फिर रहे थे। दो तीन दिन से खाद मिल रही थी नहीं यहाँ बेटा? आप कब से आ रहे हैं? आप कहाँ के हैं? हम बहेरा के हैं। क्या नाम है आपका? हमारा कौशल किशोर यादव। क्या समस्या है जी? समस्या है सर खाद की। हम लोग 6 बजे से यहाँ भूखे प्यासे घर से आ चुके हैं, अभी 10-11 बज चुके हैं, कोई भी यहाँ पर अधिकारी नहीं आए हैं। अभी आ भी गए हैं तो वो बता रहे हैं कि जो पहले की पार्टी है उनको देंगे, तो जो लोग तुम आए हो उनको नहीं देंगे। उनको सोमवार को मिलेगा है, और कल होगा तो सोमवार को देखेंगे। 1600 की बोरी बता रहे हैं। 1600 की बोरी मिलेगी और ब्लैक में कर रहे हैं। पहले 1200 की मिली थी, अब 1600 की बता रहे हैं। पहले 1200 की बोल रहे हैं। हम लोगों के डरे डरा के खराब हो गया, उनको दोबारा डालना पड़ेगा। क्या करें किसान बताओ सर? किसानों को खाद मिल नहीं पा रहा है, ब्लैक में यहाँ से सीधी लोडिंग ट्रैक्टर भाई जा रहे हैं। खाद का जो प्रकरण आया है सर, वो क्या है उसमें? क्या जाम लगाया है किसानों ने? कृषकों को चूंकि यहाँ पर 3-2 दिन पहले अभी जो है कल ही हमें खाद प्राप्त हुई है, रैक मिला है उसका जी, जी है ना, वो अभी खाद आया है, वो अनलोड हो रहा है। किसानों को चूंकि उसी आशा में थे 2-3 दिन से कि खाद जल्दी आ जाए, इसलिए थोड़ी अफरा तफरी मच गई है। जैसे ही मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स लेके वितरण की कार्रवाई शुरू सर, खाद जो है किसान खाद ब्लैक का आरोप लगा रहे हैं कर्मचारियों पर, क्या ये किसानों का ये कुछ गुमराह करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि कई समितियां हैं, कई समितियों में भी खाद जाता है। यदि किसान को जो है अपन समितियों के माध्यम से उनको उनके क्रेडिट पर भी खाद देते हैं, जिनको यहाँ पर वो कृषक आ रहे हैं जिनको नगद में खाद लेनी है, तो जो खाद वगैरह समितियों को जा रहा है उसको ये उसके कारण इनको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो सर आज कब से खाद मिलने लगेगी? अभी क्या है? अभी आप खाद गोदाम पे गए थे तो किसानों को? अभी जो है खाद वितरण चालू करा दिया है, दूसरे सेंटर पे भी चालू कराते हैं। कृषकों की जो भी समस्याएं होंगी उनको समाधान किया जाएगा तत्काल।